हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कमल जोशी। आज मैं आपको ट्रांसफार्मर के बारे में बताने जा रहा हूँ। किसी भी ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल कैसे करते हैं, उसके बेसिक कंपोनेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, हम देखते हैं अपने आसपास घरों में, सोसाइटीज़ के बाहर पर ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं, इंडस्ट्री में लगे रहते हैं, और जो यूटिलिटी डिपार्टमेंट रहते हैं उनके बाहर से ट्रांसफार्मर रहते हैं। बेसिकली आज मैं बताऊंगा किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को हम लोग इंस्टॉल कैसे करते हैं, उसकी बेसिक जो कंपोनेंट है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा किसी भी प्लांट में जाके। तो बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं किसी भी ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल कैसे करते हैं। सबसे पहले किसी भी ट्रांसफार्मर को पहचानना हमें आना चाहिए। किसी भी ट्रांसफार्मर को हम उसकी रेटिंग से पहचान सकते हैं, जैसे कि उसकी रेटिंग जो होती है, उसकी रेटिंग प्लेट पर लगी रहती है और वो उसकी बॉडी पर कहीं ना कहीं माउंट होगी। तो हमें उसकी रेटिंग प्लेट से पता चल जाएगा कि वो किस रेटिंग का ट्रांसफार्मर है और किस तरीके का ट्रांसफार्मर है। तो ये जो ट्रांसफार्मर है, ये है 230 KVA का ट्रांसफार्मर है, जिस पे वोल्टेज इनपुट 415, आउटपुट वोल्टेज 230, इनपुट करंट 320, आउटपुट करंट 627, लगभग दुगना है इसमें करंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, जिसमें इनपुट वोल्टेज ज़्यादा और आउटपुट वोल्टेज कम है, और इनपुट करंट कम और आउटपुट करंट ज़्यादा है। तो आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं, ये कंजर्वेटर टैंक है, इस पर ऑयल मेंशन किया हुआ है, और जैसे ही गर्म होगा ये ऊपर जाएगा। और ये है हीट डिसिपेशन के लिए, एक्स्ट्रा जो हम बॉडी को बढ़ाते हैं इससे। पावर ट्रांसफार्मर में आपने देखा होगा यहाँ पर फ़ैन भी लगे रहते हैं, फ़ैन जिसमें लगे रहते हैं वो पावर ट्रांसफार्मर, बड़ी रेटिंग के ट्रांसफार्मर को हम यूज करते हैं उसके लिए। और दूसरी तरफ देखते हैं हम इसकी केबलिंग किस तरीके से करते हैं। जो मेन जो पार्ट है केबलिंग होता है, केबलिंग जो हम यूज करते हैं, जैसे हमने आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सिंगल और डबल केबल का यूज किया है। सिंगल इनपुट में है, डबल आउटपुट में है, करंट हमें दुगनी मिल रही है आउटपुट में, तो हमने दो दो केबल का यूज किया है। इसमें 150 mm स्क्वायर का केबल लगा हुआ है, और इसे हम एक सीक्वेंस से हम लोग यूज करते हैं। ए बी सी इसमें मेंशन है, आप देख रहा हो, आपको दिख रहा होगा ए बी सी, ए बी सी, ए रेड, बी येलो, सी ब्लू। तो ए जो है दूसरी तरफ आउटपुट जो होगा वो स्मॉल ए है, और दूसरी तरफ जो येलो का आउटपुट है वो स्मॉल बी और ब्लू का स्मॉल सी। ये देखिए, ये देखिए स्मॉल सी। तो इस तरीके से सीक्वेंस में ये लगे रहते हैं, और करंट रेटिंग के हिसाब से ही हमें हमें केबल चूज़ करनी होती है। तो बाकी जो पार्ट है उसके लिए ये देखिए, ये जो कंजर्वेटर टैंक है इसमें ब्रीदर लगा हुआ है। ब्रीदर के बारे में आपको बता देता हूँ। ब्रीदर आपका जो ट्रांसफार्मर ब्रीद करता है तो उसमें एयर और एयर लेता है, तो उसमें कोई डस्ट पार्टिकल और मॉइस्चर ना हो, इसके लिए यहाँ पर ब्रीदर लगा है। सिलिका जेल हमारे मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगी, और ये जो ऑयल कप है ये हमारा डस्ट एब्जॉर्ब कर लेगा। इसमें ऑयल होता है, पीवीसी ऑयल हम लोग डालते हैं इसमें, तो जिससे ये सेफ़ रहे, इस पर कोई भी मॉइस्चर ना अंदर आए। ये देखिए, इसको जो हमारा इनकमर में गया हुआ है, इस ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट है, और वो आउटपुट मशीन कंट्रोल के लिए गया हुआ है, और मशीन कंट्रोल यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्री है, तो यहाँ पर आपको एक देखिए, यहाँ अलग अलग शाफ्ट सूप लगी हुई है, इधर आप देखेंगे, ये देखिए, दूसरी तरफ आपको दिखाता हूँ मैं ये। तो ये इस लोड पे चलता है, बाकी ये अर्थिंग और ड्रेन वॉल्व यहाँ पर दिया हुआ है। तो दोस्तों, ये था एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इंस्टॉलेशन डिटेल, और बेसिकली हमें
प्लांट में हमें न्यूट्रल की नीड भी पड़ती है, तो न्यूट्रल की नीड के लिए हम डेल्टा टू स्टार ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। ये डेल्टा टू डेल्टा ट्रांसफार्मर था जो अभी मैंने आपको दिखाया। हमें डेल्टा टू स्टार की नीड होगी तो हमारा जो न्यूट्रल वाला पॉइंट होगा वो हमारा ग्राउंड के साथ होगा, और हम वहाँ पर से आपका न्यूट्रल और लाइन वोल्टेज ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।